और अब बात प्रयागराज की, जहां यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो जाएंगे। आज दोपहर 1:30 बजे का समय होगा जब परिणाम जारी कर दिया जाएगा। upresult.nic.in पर आप अपना परिणाम देख सकते हैं। इसके अलावा upmsp.edu.in पर आप अपने नतीजे देख सकते हैं। 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच एग्जाम हुए थे और अब नतीजों का समय आ चुका है, तो हम आपको लगातार वो साइट भी दिखा रहे हैं जहां पर आप अपने नतीजे जो हैं वो देख सकते हैं। धड़कनें फिलहाल उन स्टूडेंट्स की बड़ी हुई हैं जिन्होंने एग्जाम दिए हैं। 1:30 बजे उनके नतीजे जो हैं घोषित हो जाएंगे। 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच एग्जाम हुए थे और अब समय आ चुका है जब इन परीक्षा के नतीजे जो हैं वो घोषित किए जाएंगे। किसने टॉप किया है, तमाम चीजें जो हैं वो 1:30 बजे पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। तो ये साइट्स हैं जो कि आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए, जिन पर जाकर आप अपना परिणाम देख सकते हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, मयूर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मयूर, आखिरकार इंतजार खत्म होने वाला है, इंतजार 1:30 बजे का होगा सभी स्टूडेंट को और धड़कनें सभी की बड़ी होंगी कि क्या कुछ नंबर और कौन टॉप करने वाला है, ये तमाम चीजें। हाँ बिल्कुल, देखिए मंदिरों में जो भीड़ है वो छात्रों की अब लगना शुरू हो गई, क्योंकि धड़कनें उनकी बढ़ चुकी हैं और आज 1:30 बजे यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है वो घोषित हो जाएगा। प्रयागराज में जो शिक्षा सचिव हैं सबसे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे कि किस जिले का टॉपर रहा है और जो है उनके नाम की घोषणा की जाएगी, कितना प्रतिशत रिजल्ट इस बार गया है, क्योंकि पिछली बार यूपी बोर्ड की रिजल्ट की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो बच्चे हैं वो पास हुए थे, लेकिन लगभग 58 लाख छात्र छात्राओं ने इस बार अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 4 लाख छात्र छात्राओं ने अपना इस बार एग्जामिनेशन नहीं दिया था, यानी कि वो उसमें शामिल नहीं हुए। तो लगभग 54 से 55 लाख छात्र छात्राओं का जो भविष्य है वो अब तय होने वाला है। 1:30 बजे रिजल्ट जारी होगा और लगातार हम अपनी स्क्रीन पे वो लिंक दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं और इसी के साथ अपने फ़ोन में मैसेज करके भी आप अपना रिजल्ट लिंक के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बड़ा आज दिन है यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए और दुनिया का सबसे बड़ा ये बोर्ड भी है यूपी बोर्ड, तो ऐसे में 54 से 55 लाख बच्चों का जहां रिजल्ट एक साथ घोषित होगा तो कहीं ना कहीं सर्वर डाउन होने की भी प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है, तो ऐसे में कोई भी छात्र छात्रा परेशान ना हो, धीरे धीरे सभी का रिजल्ट शाम तक घोषित हो जाएगा। लेकिन देखना होगा कि किस जिले के बच्चों ने इस बार बाजी मारी है। हालांकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो कानपुर और कानपुर देहात के बच्चों ने, वेस्टर्न यूपी के बच्चों ने टॉप किया था, लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो उसमें टॉपर्स उस तरीके से नहीं आ पाए थे। लेकिन देखना होगा कि आज जो है रिजल्ट किस तरीके का जाता है, रिजल्ट किस तरह से जाता है, कौन टॉप करता है और इस बार लड़कियां आगे रहती हैं या लड़के बाजी मारते हैं, इस पर भी निगाह रहेगी।